टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में दादी सा का केस और रूही की दूसरी शादी का ड्रामा देखने को मिल रहा है। पोद्दार और गोयनका परिवार के सभी लोग रूही की दूसरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन अरमान और उसकी मां नहीं चाहती कि रूही की दूसरी शादी हो। बीते एपिसोड में अरमान मानव से मिलता है और अपकमिंग एपिसोड में वह अपने परिवार को बताएगा कि मानव बहुत अच्छा लड़का है। ये सुनकर घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन आखिर में वह भी बोल देता है कि वह लड़का रूही के लिए सही नहीं है। तो आइए आपको बताते हैं कि अरमान ने ऐसा क्यों किया। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अरमान मानव को रिजेक्ट करने के बाद उसके साथ हुई बातें याद करता है। अरमान पोद्दार हाउस में बेहोश होकर गिर जाता है, लेकिन मानव उसका पूरा ध्यान रखता है। तभी अरमान मानव से सवाल करता है कि क्या तुम रूही को खुश रख सकते हो। इस पर मानव बहुत ही सीधा जवाब देते हुए कहता है खुशी किसी के हाथ में नहीं होती, कई बार सब कुछ होने के बाद भी लोग खुश नहीं होते। मैं नहीं चाहता कि रूही मेरे साथ चिपकी रहे, मैं चाहता हूँ कि रूही अपनी लाइफ जिए। ये सारी बातें अरमान किसी को नहीं बताता, लेकिन दादी साहब को बोलता है कि वह रूही को खुश नहीं रख पाए। सीरियल में आगे देखने को मिलेगा कि अरमान का फैसला सुनकर विद्या खुश हो जाती है, लेकिन हर कोई परेशान हो जाता है। दादी साहब भी बोलती हैं, जब वह लड़का अच्छा है तो क्या परेशानी है। इसके बाद दादी साहब फैसला लेती है कि अरमान अगर तुम और विद्या नहीं चाहते तो रूही की शादी नहीं होगी, तो तुम ही इसकी खुशी की जिम्मेदारी लोगे। इसके बाद विद्या पूरे घर में मिठाई बांटते हैं। वहीं अरमान अकेले में खड़े होकर चीजें सोचता है, तब रूही वहां आती है और अरमान उसे बताता है कि तुम बहुत अच्छी हो और तुम ऐसे इंसान को डिजर्व करती हो जो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचे। यह सुनकर रूही सोचती है कि वह इंसान सिर्फ तुम हो।